that is your page number 100. So on page number 100 given birth certificate of a Binsi. Binsi ka ye birth certificate diya hai, right? Now in it, now in your textbook, what it is given? So from this certificate, answer the following questions from the given Binsi's birth certificate. Abhi humne dekha na birth certificate. So this is your birth certificate of Binsi. Binsi ka birth certificate hai, right? From this, you have to answer the following question, right? So first I'm read for you. Name Binsi Thomas Sekop, female. Date of birth, that is 02 yani second, 05 yani kaun sa mahina, May, and 2002 is the year. So 2nd May 2002 is the date of birth of Binsi. Place of birth is Kadampuzha Hospital. Name of father Jacob Tharakan, and name of mother Lara Thomas. Date of registration, that is 2nd May 2002. 2nd May 2002. Registration number also given, that 815/02. Here date mentioned that on which date this certificate is written. Yani kaunsi date ko ya kaunsi date ko ye certificate issue hua hai, that is 5/8/2002. Yahan pe authority ki sign, right? So this is a certificate of birth certificate of Binsi. Now अब इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर होंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/5/2002 शोज दैट Binsi वॉज बॉर्न ऑन 2- इन द ईयर 2002. यानी 2/5/2002 को Binsi बॉर्न हुई थी. यानी ये चीज क्या शोज करती है, दैट 2-. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये टाइम का ये डेट दी है, राइट? नाउ इट शोज दैट व्हाट, दैट 2002 भी है और 2nd भी है. सो व्हाट इज द मिसिंग ओवर हियर, द नेम ऑफ दिस मंथ. यानी ये मंथ की कौन सा है. फर्स्ट इज अ जनवरी, 2nd इज अ फेब्रुआरी, 3rd इज योर मार्च, 4th अप्रैल एंड 5th मई. सो योर आंसर इज मे. यानी आपको यहाँ पे लिखना है वॉज बॉर्न ऑन 2nd May in the year 2002. समझ में आ गया ये फर्स्ट ब्लैंक? समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको डेट और साल दिया गया था. यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस मंथ, दैट 5th मंथ इज विच वन. कौन सा है 5th महीना? मे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? स्पेलिंग भी याद कर लेना, May. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ ओल्ड विल Binsi बी On 2nd May 2008. Question समझ में आया students? Question ये है कि Binsi जो है वो 2nd May 2008 को how old will be, यानी कितने साल की होगी, right? So आप लोग देख सकते हो 2nd May यानी अब उसकी birth date तो same है 2nd 02 and 05. राइट सेम, बट हियर बॉर्न वो कब हुई 2002 और यहाँ पे दिया है 2008. अगर 2002 में वो बॉर्न हुई सो 2008 में कितने साल की होगी. तो राइट, सो आप लोग यू कैन डू इट दिस फॉर यूजिंग टू मेथड्स. फर्स्ट व्हाट यू कैन डू लाइक दिस, फ्रॉम दिस 2002 यू काउंट इट टिल यू गेट 2008. यानी 2002 के बाद काउंट करते जाओ, इट इज 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, राइट? तो वो काउंट करते हो 2002 से स्टार्ट करके 2008 तक काउंट करो और जो नंबर आए यानी कितने काउंटिंग किए वो आपका आंसर. और एल्स अगर आपको ये नहीं करना है, बिकॉज इफ द नंबर इज बिगर, ये तो नजदीक है, चलो 2002, 2008, सपोज मैं बोलू 2035, हाउ ओल्ड, सो हाउ यू कैन आंसर, right? So for that I'm showing you what you have to do. You have to just see which year they are asking for. यानी कौन सा साल पूछा है, 2008 कौन से साल में, तो वो साल में से उसका जो born year है, right? वो subtract करेंगे. समझ में आया? जो साल पूछा गया है उसमें से उसका ये जो born year है वो हम minus करेंगे. Let's see. Here I'll date. कौन सा साल पूछा है, 2008. सो 2008 में से उसका बोर्न ईयर कौन सा है, 2002. सो दिस 2002 वो क्या करना है हमें, माइनस करना है. सो लेट्स सी 8-2 व्हाट यू विल गेट, 6. 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6. देन 0-0 0,
0 माइनस 0 0 एंड 2 माइनस 2 0. सो क्या आंसर मिला? 6. यानी 2008 में कितने साल की हो जाएगी? 6. सो योर आंसर इज 6 इयर्स ओल्ड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052? नाउ यू कैन सी, अब 2002 से आप अगर काउंटिंग स्टार्ट करोगे टिल 2052, इट विल बी हार्डर बिकॉज द बिगर नंबर सो बिग, वी हैव टू गो फॉर सो मेनी थिंग्स टू काउंट, राइट? नाउ फॉर दैट अगेन सेम प्रोसेस फ्रॉम दिस ईयर यानी 2052 में से उसका बोन जो भी 2002 है उस माइनस करेंगे लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 2052 माइनस 2002, यानी इसमें से 2002 क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट्स सी, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0. सो व्हाट यू विल गेट आंसर? 50. यानी वो 2052 में हाउ ओल्ड इज शी? शी विल बी 50 years old, यानी 2052 में वो 50 साल की हो जाएगी. सो अभी तक ये बर्थ सर्टिफिकेट में से मैंने 1, 2 and 3 ब्लैंक्स एक्सप्लेन की. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इफ यू डोंट गेट इट, राइट डाउन ऑन द कमेंट वट एवर डाउट रिगार्डिंग दिस. जो भी आपका डाउट्स है आप कमेंट में लिख के भेज दो, ठीक है? सो शैल वी मूव टू अवर नेक्स्ट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन वॉट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स. सो अब तक हम क्या करते थे कि हमें 2 साल दिए गए होते, राइट? कि इतने साल में वो कितने साल की होगी, यानी हमारे पास बोर्न ईयर भी होता है उसके कौन से साल में वो बोर्न हुई है और कौन से साल में हमें फाइंड आउट करनी कितने ईयर्स की होगी, राइट? बट अब हमें यहाँ क्या दिया गया है, हमें या साल तो पता है कि कब उसको बॉर्न हुई, राइट? 2002. और हमें अब दिया गया, जैसे हमें 6 आंसर मिलता था वैसे हमें ये 8 दिया है कि 8 साल की कब होगी. जैसे हमें यहाँ मिलता था कि वो 2008 में 6 साल की हो जाती थी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि अब 8 साल की कौन से ईयर में होगी, यानी हमें अब ये फाइंड आउट करना है. हमारे पास ये है 2002 है और 6 की जगह हमारे पास आंसर क्वेश्चन में है 8 ईयर्स, यानी 8 साल की कब होगी. तो हम क्या करेंगे अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने साल की होगी, आई मीन कौन से ईयर में वो 8 साल की होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसका जो भी बोर्न ईयर है उसमें अब जितने ये जो साल की पूछे, यानी आपको 8 साल की हो 15 साल की हो, तो वो जो भी है वो बोर्न ईयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करते उसके जगह पे हम क्या करेंगे अब प्लस, क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस लाइक दिस. सो इसका बोर्न साल कौन सा है? 2002 प्लस कितने साल की हमें फाइंड आउट करना है? 8. सो वी विल डू 8 प्लस 8. सो 2002 में हम 8 ऐड करेंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम दी वंस प्लेस, 2 प्लस 8 दैट मीन्स 0, 1 कैरी ओवर, राइट? 1 प्लस 0 1, प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 0 2. सो योर आंसर इज 2010. सो ऑन विच डेट विल शी बी 8 इयर्स ओल्ड, राइट इन द नंबर्स, यानी 2010. और ये जो डेट है वो तो फिक्स ही है, यानी सेकेंड मे को तो वो फिक्स ही होगा, हमें सिर्फ ये ईयर फाइंड आउट करना था, दैट इज 2010. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बीन सी ऑन 2 अगस्त 2002. आपको पता है उसकी बोर्न ईयर 2 मई 2002, यानी 2 एंड 2002 ईयर एंड डेट आर सेम. We want to find out that how many months old was Vinci on 2nd August. So, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ months का ही different है. हमें find out करना है कितने महीने की होगी 2nd August को, right? साल same है. So, क्या करना है आपको? ये जो August है वो कौन से number पे आता है? January, February, March, April, May, June, July, August. If you count on your finger, अगर आप finger पे count करेंगे तो August कौन से महीने कौन से number पे आता है? 8. आठवें number पे आता है ना वो month. And May comes in of 5. So 8 में से ये जो number of May का है यानी 5. If we do subtraction like this, यानी 8 month minus 5th month. 8 month कौन सा है? यानी August. और May कौन से महीने पे आता है? 5th.
तो जो जो महीना पूछा है उसमें से अगर उसके बोर्न मंथ जो है इफ वी गेट यू डू सब्ट्रैक्शन वी विल गेट द आंसर. सो 8 - 5 वी विल गेट 3. सो योर आंसर इज 3 months. समझ में आया ये? यानी 2 अगस्त 2002 को वो 3 महीने की हो जाएगी. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज मिंसी नाउ. नाउ यानी अभी. अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020, राइट? सो अभी 2020 में हाउ ओल्ड शी, दैट मीन्स अभी कितने साल की हो गई होगी, राइट? सो हमें पता है इसका बोर्न ईयर कौन सा है, 2002. सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इट हाउ ओल्ड नाउ, सो फॉर दैट वॉट वी हैव टू डू, फ्रॉम 2020 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 2002, दैट इज हर बोर्न ईयर, राइट? तो मैं 2020 में से 2002 इसका बोर्न ईयर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस 0 - 2. कैन वी डू 0 - 2? नो. सो फॉर दैट वी आर डूइंग बोरोइंग. फॉर बोरोइंग 2 कट 1, देन 0 बिकम 10. नाउ फ्रॉम 10 - 2, 10 - 2 व्हाट यू विल गेट? 8. देन 1 - 0, 1. 0 - 0, 0. 2 - 2, that is 0. So what you will get answer? You will get answer 18. So now how old is she? She is 18 years old. अभी कितने साल की हो गई होगी? अगर 2002 में born हुई, so 18 years, right? Now next is birth certificate again given. Now after how many months of her birth was the certificate issued? यानी इसका जो birth certificate है वो कितने महीने के बाद issue हुआ? तो आप देख सकते हो birth certificate में यहाँ पे इसका date दिया है, यानी ये date को ये birth certificate issue हुआ, यानी 5/8/2002. And when she was born? She was born on 2 May 2002. So हमें सिर्फ months count करने के, कितने months है. So 5th month में she born and 8 मंथ में इश्यू हुआ, तो हम ये जो 8 है उसमें से 5 को माइनस करेंगे, वी विल गेट आंसर 3 months, राइट? सो वट एवर मंथ, सो यू विल गेट आंसर इज 3 months. सो आफ्टर 3 months शी इश्यूड हर सर्टिफिकेट, राइट? नेक्स्ट इज वट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में आप देख सकते हो, हियर इट इज मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर. कौन सा है रजिस्ट्रेशन नंबर? ये, दिस इज 815/02. सो योर आंसर इज 815/02. तो आपको ये वीडियो से देख देख के आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 and 101 पे ये सारे जो भी मैंने अभी आंसर्स सॉल्व किए वो आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 102, व्हाइल यू ओपन पेज नंबर, चलो अब मेरे सामने आपको बुक ओपन करनी है. योर टेक्स्ट बुक यू विल सी पेज नंबर 102, ऑन इट गिवन कैलेंडर 2018. तो आप देखोगे अगर 102 ओपन करोगे तो इट विल बी सीन अ कैलेंडर ऑफ 2018. सो यू ओपन योर बुक स्टूडेंट, यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट. ऑन पेज नंबर 102, व्हाइल यू आर सी ऑन द नेक्स्ट पेज on that return date, let us look at the calendar for the year 2018 year ke liye calendar dekhna hai, and from that calendar you have to answer the following question, right? So first question is that how many months does a year have, yani pure saal mein kitne month hote, that I already explained you from the first second video while explaining the notes. Hame pata hai kitne hote hai, 12 months, right? But still I am showing you on the calendar by counting. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So how many? 12, right? Now let's see next question, that list months which have 30 days. Yani hame aise months batane hain jisme 30 days hote hain. So How you can know that which month having 30 days or 31 days? So on the second standard में मैंने आपको explain किया था by closing palm like this. आपको palm को ऐसे close करना है and counting करना है. First upper part वाला, यानी यहाँ पे January, in between February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. You have to count in on your closed palm like this. Yani upper part, then between part, upper, between like this. So which month? Those month are coming on this upper section, this one, upper part, please like. So that month having 31 days and exceptional, those are coming in between this portion, it will be having that 30 days.
ओनली फेब्रुआरी इज अ डिफरेंट, इट हैज 28 और 29 डेज. मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था फेब्रुआरी डिफरेंट है, राइट. सो यू कैन सी दैट जनवरी हैज 31, मार्च हैज 31, मई 31, जुलाई 31, अगस्त ऑल्सो 31, अक्टूबर 31, दिसंबर 31 एंड अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30 एंड नवंबर 30. सो अंडरस्टूड, आपको समझ में आया. मैंने ये सेकंड स्टैंडर्ड में भी आपको एक्सप्लेन किया था, बाय क्लोजिंग योर पाम यू कैन काउंट द नंबर ऑफ मंथ हैविंग नंबर ऑफ डेज, हाउ मेनी डेज, राइट, 30 और 31. सो एज पर दिस यू विल गेट दैट जनवरी ऑगस्ट हैव 31 डेज, देन फेब्रुआरी सेप्टेम्बर हैज 30 डेज, ओनली फेब्रुआरी हैज 28 एंड सेप्टेम्बर हैज 30 डेज, देन मार्च एंड अक्टूबर 31, अप्रैल नवंबर 30, मई दिसंबर 31, जून 30 एंड जुलाई 31. सो एज पर दिस क्वेश्चन क्या था, दैट हाउ मेनी मंथ्स हैविंग 30 डेज, सो हाउ मेनी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर. सो योर आंसर इज अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर. सो राइट डाउन दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. मेरे साथ ये आंसर भी आपको वो पेज नंबर 102 पे लिखते जाना है, ठीक है. ब्लैंक दिए ना आपको ऐसे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट मंथ विच हैव 31 डेज. अब 31 हमने अभी देखा था ना, सो कौन कौन से मंथ में 31 है. सो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, दिस मंथ हैविंग 31 डेज. सो योर आंसर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. समझ में आ गया ये 30 डेज एंड 31 डेज. अगर आपको कोई पूछे तो यू कैन काउंट इट बाय क्लोजिंग योर पाम. समझ में आया ना कैसे काउंटिंग करना है, राइट. लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव. सो हम कैलेंडर में देख लेते हैं, ये रहा मंथ जनवरी एंड फेब्रुअरी. तो फेब्रुअरी में कितने डेज है स्टूडेंट्स, देख सकते हो ना कितने हैं, 28. सो योर आंसर इज 28 डेज. समझ में आ गया, इजी, ओके. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक. ये तो पता है ना कितने होते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज. इजी स्टूडेंट्स, यस. द नेक्स्ट इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन द जुलाई, यानी जुलाई मंथ में कितने वीक्स है. सो लेट्स सी ऑन अ कैलेंडर. सो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. तो जुलाई में आप देखोगे तो ये पूरा एक वीक, 1 week, 2 week, 3 week and 4 weeks. So how many weeks? These are only 3 days. So your answer is 4 weeks. How many weeks? 4 weeks. Understood students? July mein kitne. So your next question is that इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, यानी यही क्वेश्चन के साथ ज्वाइंट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, यानी सभी महीने में 4 weeks ही होते हैं. यस, इट्स अ सही होता है, राइट. सभी मंथ से भी मंथ में 4 वीक्स ही होते हैं, राइट. देन नेक्स्ट इज इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3, यानी क्लास 3 में आप कौन से मंथ में आए थे. सो कौन से मंथ में, आपको पता है एवरी न्यू ईयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ अप्रैल. हमारे अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है ना, राइट. सो वी केम टू क्लास 3 इन अप्रैल मंथ. अंडरस्टूड, ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट्स इन द कैलेंडर. सो कैलेंडर के अंदर जो जो भी डेट्स है उसको सर्कल करना है. सबसे पहले दिया है 26 जनवरी. सो 26 जनवरी, जनवरी में 26 को मुझे क्या करना है, सर्कल. सो यू हैव टू सर्कल इट लाइक दिस, मेक अ सर्कल लाइक दिस. अंडरस्टूड, ओके. देन नेक्स्ट देखो 14th नवंबर. सो 14th नवंबर कौन सा नवंबर ये रहा, और कौन सी डेट है 14th. सो दिस इज योर 14th. सो मेक अ सर्कल लाइक दिस, राइट. सो यू हैव टू पुट अ सर्कल, राइट. नेक्स्ट 31st दिसंबर, कौन सा दिसंबर है, 31st. सो 31st ये रहा दिसंबर. सो उसको हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है लाइक दिस. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. तो आपको भी
आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने अभी जो जो डेट्स बनाई कौन कौन सी 26 जनवरी 14th नवंबर एंड 31st दिसंबर, ये डेट्स को आपको क्या करना है सर्कल फ्रॉम इन पेज नंबर 102 पे आपको जो ये कैलेंडर दिया है वो राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट्स, यानी इनके बारे में कुछ स्पेशल है, यानी 26 जनवरी क्यों हुआ है पता है, क्या होता है, कुछ होता है फेस्टिवल है कुछ, यस yes, क्या होता है 26 जनवरी इज अवर रिपब्लिक डे राइट। देन 14 नवंबर पता है क्या है, आपका ही दिन है, सोचो यस इट्स अ चिल्ड्रंस डे, हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना 14 नवंबर को राइट। एंड नेक्स्ट इज 31st दिसंबर, सो 31st दिसंबर इस फेस्टिवल वी विल कॉल इट एज अ न्यू ईयर्स इवनिंग, मतलब इवनिंग यानी नया साल होता है ना 31st दिसंबर के बाद, तो वो 31st दिसंबर उसका न्यू ईयर की इवनिंग होती है राइट, जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना। नेक्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर, यानी यहाँ पे आपको ये इयर्स दिए 2017, 2020, 2019, 2016, 2021, 2022. So using this, you have to fill in the blanks. But you have to note, keep it in your mind that consider current year as a 2018 as per the given calendar of 2018. यानी आपको 2018 का कैलेंडर दिया है, तो आपको वही ईयर Why I am note down this? Why I told you to keep it in your mind? Because just now is going on 2020. अभी कौन सा year चल रहा है 2020, right? But हमें जो calendar दिया है book में वो 2018 का है, so ये mind में रख के हमें fill in the blanks fill up करनी है right? So first is which year was it 2 years back? अगर current year suppose 2018 है तो 2 years back यानी पीछे 18 से पहले यानी 17 एंड 16, तो ईयर कौन सा आएगा बैक 2016 राइट। सो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ 2016 को राइट। देन इन विच ईयर वेर यू इन क्लास 2, सपोज अगर 2018 में आप, हमें क्या कंसिडर करना है अभी नहीं राइट, इन 2018 सपोज अगर आप 13 में थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो क्लास 2 में यानी एक साल पहले, तो कौन से साल में होंगे आप लोग 2017 में, सो आई अंडरलाइन द नंबर 2017, समझ में आ रहा है ना, यू हैव टू कीप इट माइंड 2018 राइट। देन विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, अगर 2018 है अभी राइट, सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, यस व्हाट वुड बी 2019, सो अंडरलाइन 2019। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, अगर 2018 हम कंसिडर करें तो 3 years यानी 3 साल बाद 18 के बाद कौन सा होगा, यानी 18 के बाद 19, 20 and 21, सो व्हाट वुड बी 2021, सो अंडरलाइन दिस। सो समझ में आ गया, ये वी हैव टू कीप इन आवर माइंड that 2018 is your current year as per the calendar provided and as per the option that given in your textbook. समझ में आ रहा है ना students? Okay. Now let's see next. So अब तक मैंने आपको ये explain कर दिया है right? So I will explain you on the next video with the next new topic. Okay.